हेलो स्टूडेंट, हाउ यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स विच इज़ बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड इलेक्ट्रिक पावर. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम टेक्स अ करेंट ऑफ 7 एम्पियर. कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 0.5 मिनट. तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इसका रेजिस्टेंस 25 ओम है और इसमें 7 एम्पियर का करंट पास हो रहा है. कितने टाइम, मतलब 0.5 मिनट में कितना हीट डेवलप होगा, ये फाइंड आउट करना है. तो गिवन दैट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 25 ओम, करंट I is equal to 7 ampere and time is given, t is equal to 0.5 minute. ठीक ना, मिनट इज नॉट अ SI यूनिट. इसको कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में, मतलब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. तो सेकेंड में कन्वर्ट करते इसको, तो 0.5 into 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेकेंड. कितना जाएगा? 30 सेकेंड. नाउ हीट H is equal to I square R T. We know that heat H is equal to I square R T. I square, it is 7. 7 ka square R 25 into T 30. So 7 ka square 49 into 25 threja 75. So 7500 and 49 and 75 ka multiply karenge. T a jaga mara 36.75 joule. Is it? It is a simple question which is based on heating effect of electric current. Now, second question is 200 joule of heat is produced in 10 second in a 5 ohm resistance. Find the potential across the resistor. In this question, we have to calculate the potential difference across the resistor. So now, given that heat H is equal to 200 joule, time T is equal to 10 second and resistance R is equal to 5 ohm. We have to calculate the potential difference across the resistor. Now, we know that the formula of heat, H is equal to V square by R into T. Heat ke aapke different formulas hain. Jaise ek formula hai aapka H is equal to V I T. Dusra hai I square R T. एंड तीसरा है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी. वी हैव 3 फॉर्मूला ऑफ हीट. सो ये वाला फॉर्मूला इसके लिए पोटेंशियल फाइंड आउट करना, तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी. देन वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, अगर यहां से वी फाइंड आउट करना तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर का एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर एच बाय टी. नाउ वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच, it is 200, value of R is equal to 5 by T 10 second. 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 20 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100. तो V square is equal to 100, तो V is equal to square root of 100 और 100 का square root कितना जाएगा, 10. it means V is equal to 10 volt. तो उस resistor के अक्रॉस जो potential difference है वो कितना है, 10 volt का potential difference है. Is it clear? Now, third question. Now, question number third is based on electric power. Our question is, an electric fan runs from the 220 volt mains. The current flowing through it is 0.6 ampere. At what rate is the electrical energy transformed by the fan? How much energy is transformed in 2 minute.
मतलब हमें ये बताना है कि किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। इट मींस इट इज नोन एज पावर, इसको हम कहेंगे पावर। एंड हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में कितना एनर्जी कंज्यूम क्या है वो फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी हैव गिवन डेट, वी हैव गिवन डेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फैन इज 220 वोल्ट एंड करेंट आई इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर। हमें फाइंड आउट करना है पावर, देन पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। वी नो दैट पावर पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। तीन फॉर्मूले हैं पावर के भी, वी इंटू आई और वी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर। ठीक है, थ्री फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास वोल्टेज एंड करंट गिवन है तो हम V इंटू आई यूज करेंगे। देन V इज इक्वल टू V इंटू आई, तो V 220 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12, 6 2 12 प्लस 1 13, 0 डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 132 वॉट। मतलब जो फैन है वो पर सेकेंड, फैन पर सेकेंड 132 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है या उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिकल टू हीट में या अदर फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट, डेट इज इक्वल टी इज इक्वल टू 2 मिनट है तो मिनट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकंड में। डेट इज इक्वल होगा 120 सेकंड, 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे 120 सेकंड। देन एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी। एनर्जी, जब भी एनर्जी फाइंड आउट करना है तो पावर को टी के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इतने सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में वो 132 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है तो 120 सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो दोनों के आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो P इंटू टी, तो डेट इज इक्वल 132 इंटू 120, 132 की 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 2 24 कैरी 2, 12 3 36 प्लस 2 38 कैरी 3, 12 1 12 और 3 हो जाएगा 15, 0 जूल। मतलब वो 2 मिनट में 15840 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। इज इट क्लियर, सिंपल? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी कंजम्पशंस। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 वॉट ऑपरेटेड 6 आवर्स पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट रुपीज 4.5 पर किलोवाट आवर्स। तो 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू द यूनिट, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो पर यूनिट का 4.5 रुपीज है और 4.5 रुपीज के रेट से वो 30 डेज में कितना पे करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि वॉट दे रखा है तो वॉट मीन्स इट इज अ यूनिट ऑफ पावर, तो पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर, पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर पी इज इक्वल टू गिवन 500 वॉट। ठीक है, कितने आर्स यूज होता है, 6 आर्स यूज होता है, कितने दिन तक, 30 डेज तक। तो इसको एनर्जी जो कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे किलोवाट आर्स में, क्योंकि किलोवाट आर्स इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम, टोटल एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, 30 डेज में टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, डेट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम पर डे, टी आर्स पर डे इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ
डेज, टोटल एनर्जी कंज्यूम करने निकालने के लिए पावर के मल्टीप्लाई करेंगे कि पर डे में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, और उसकी टोटल मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि कितने डेज तक उसको ऑपरेट किया जा रहा है। नाउ डेट इज इक्वल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू पावर इज 500 इंटू कितना आवर्स यूज होता है, 6 आवर्स यूज होता है, तो 6 इंटू कितने डेज तक यूज कर रहे हैं हम इसको, 30 डेज तक यूज कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 30 n 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये जाएगा 91 2 3 और ये जाएगा 30 वाट आवर्स। किसमें आ गई है, वाट आवर में, क्योंकि इसको वाट में मेजर किया हमने और इस टाइम को हमने मेजर कर लिया किसमें, आवर्स में। क्लियर है। अब इसको किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इट इज इक्वल टू 90 किलो वाट आवर्स, मतलब 30 डेज में टोटल जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो 90 किलो वाट आवर्स कंज्यूम करेगा, और इसका पर किलोवाट आवर्स का जो कॉस्ट है वो 4.5 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 90 इंटू 4.5, 90 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा आपका 405.0 रुपीज, मतलब टोटल 30 डेज का जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगा वो आएगा आपका 405 रुपीज। इज इट क्लियर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल एनर्जी कंजम्पशन अगर निकालना है डेज का, तो उसको उसके लिए फॉर्मूला जाएगा पावर इंटू टाइम, आवर्स पर डे, टाइम यहाँ पे होगा आवर्स में, पर डे कितना है आवर्स उसको ऑपरेट कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने डेज तक उसको यूज़ कर रहे हैं। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं किलोवाट आवर्स में, और उसको फिर किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। नाउ ये हो गया 4 क्वेश्चंस, बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे 4 क्वेश्चन, इसको भी आपको अपने फेयर नोटबुक में करना है इसको। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।